गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। यहाँ पर मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके इसलिए डालनी पड़ी क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उस टाइम वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मे बी इज बिकॉज ऑफ सम इशू। हम जा रहे हैं फाइनली हरिद्वार और मैं जा रही हूँ सुबह मॉर्निंग की बस से। सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ बस स्टैंड, मैंने ले ली है अपनी बस से। काफ़ी ट्रैवल के बाद हमने फर्स्ट स्टॉपेज जो लिया था वो लिया था खरतौली, जहाँ पे हमने रुक के चाय वगैरह पी, वॉशरूम गए एंड फिर हमने वापस अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। फाइनली हम लोग हरिद्वार मामू के घर पहुँच गए। ये देखो यहाँ पे मस्ती चालू हो चुकी है, प्रिपरेशन हो चुकी है क्योंकि काफी ज्यादा मेहमान आने वाले थे। क्योंकि हम शादी से एक दिन पहले पहुंचे थे तो शाम को कुछ काम नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड करा कनखल का बहुत फेमस दक्ष मंदिर है, तो हमने सोचा हम दक्ष मंदिर घूम कर आ चुके हैं। तो मैं, चाची, यशु और अम्मा हम चारों चले गए दक्ष मंदिर घूमने के लिए। ये एंट्रेंस है दक्ष मंदिर की। दक्ष मंदिर की ये मान्यता है कि ये शिव जी की ससुराल मानी जाती है और ये मंदिर उस जगह पर स्थित है जहाँ पे माता सती सती हो गई थी जब दक्ष जी ने जो है ना भगवान शिव जी का सम्मान नहीं किया था। ये गंगा जी दक्ष मंदिर के साइड में ही बह रही है क्योंकि शाम हो रही थी, ठंड हो रही थी, तो इसलिए हम नहाए नहीं थे, बट हमने छींटे डाल लिए थे अपने ऊपर गंगा जी की। ये मेन एंट्रेंस है दक्ष मंदिर की और यही वो कुंड है, यज्ञ कुंड, जहाँ पे माता सती सती हो गई थी। तो कहते हैं जब माता सती सती हो गई थी तो ये शिव जी का सबसे पहला विकराल रूप था जब वो उन्हें हवन कुंड से निकाल कर अपने हाथ में लेकर चले थे। काफी देर गंगा जी के किनारे बैठने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब घर चलते हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी और घर पे गाने वगैरह भी आ रहे थे। दैट्स ऑल गाइज इन दिस व्लॉग। शादी वाला व्लॉग कल आएगा। हम लोगों ने की बहुत मस्ती एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।